कानपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। एनकाउंटर में मारा गया विकास को बीएसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद मुठभेड़। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे मारा गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर दूर विकास दुबे को ला रही कार पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर है। सूत्रों ने दावा किया है इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विकास दुबे को स्ट्रेचर पर लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में लाया गया है। गौरतलब है कि विकास दुबे को कानपुर ला रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। बताया जा रहा है कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उस समय विकास दुबे हथियार छीन कर भाग निकला। घटनास्थल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया था। विकास दुबे के मारे जाने की खबर है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शी ने सुनी फायरिंग की आवाज। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमने गोली की आवाज़ सुनी। इसके बाद पुलिस ने हमें भगाने की कोशिश की, हम वहां से हट गए। हम लोगों ने गोलियों की आवाज़ सुनी थी। कैसे हुआ हादसा? हादसे को लेकर यूपीएसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नज़र से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पलट गई। खबर है कि विकास दुबे ने गाड़ी पलटते ही पुलिसकर्मियों का हथियार छीन लिया और भागने लगा। घटनास्थल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर विकास दुबे और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस दौरान विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों का कहना है कि इस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। उसकी बॉडी को लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पुलिस के आला अफसर पहुंचने लगे हैं। अभी कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। विकास दुबे की मृत्यु की औपचारिक पुष्टि होना बाकी।